चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे आपकी एनसीईआरटी बुक के बारे में, और इसमें हम लोग कक्षा 11वीं की आपकी जो राजनीतिक सिद्धांत है, पॉलिटिकल थ्योरी है, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें आपके 5 अध्याय हम लोग खत्म कर चुके हैं। लास्ट अध्याय बात की थी हम लोगों ने सामाजिक न्याय के बारे में। आज का चैप्टर आपका 5वां है, और इसमें बात करेंगे हम लोग अधिकार। ये कहना गलत है कि ये केवल सिविल सर्विस या स्टेट पीसीएस के लिए ही महत्वपूर्ण है, या इसकी आपकी तैयारी कर रहे हैं तभी आप लोगों को पढ़ना चाहिए। मैं तो इतना कहूंगा कि अगर आप इंसान हैं, अगर आपको लगता है कि आपका अधिकार है, आपको लगता है कि आपका सम्मान होना चाहिए, तो आपको अपने अधिकारों के बारे में मालूम होना चाहिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि आपको मौलिक अधिकार मिले हुए हैं संविधान में। अगर उनका उनके साथ कोई छेड़छाड़ करता है, हनन करता है, उनका आपको दबाता है, आपके अधिकारों को कुचलता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट की राय एक तरह से रक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट भी, और आपका हाई कोर्ट भी आपकी मदद करेगा। आप जानते हैं पहले आपके 7 अधिकार हुआ करते थे, मूल संविधान में आपके 7 अधिकार हुआ करते थे। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार, धार्मिक संस्कृति और शिक्षा, संविधानिक उपचार का अधिकार। संविधानिक उपचार का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। क्यों है? क्योंकि बाकी अधिकारों की एक तरह से रक्षा करता है। आपने देखा होगा कि जब भी आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो कई लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं आर्टिकल 26 के तहत, माफ करिए आर्टिकल 32 के तहत, और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को आर्टिकल को याद रखना, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस बन चुका है इसमें। आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, इसमें एक बात और याद रखना, भाग 3 में आपके अधिकार दिए गए हैं आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। इसे आप संविधान का अधिकार पत्र भी कहते हैं एक तरह से। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से एक तरह से प्रेरित है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि पूरे जिसके तहत तस के तस सो उठा कि हमने अपने संविधान में शामिल कर लिया है, जो हमें जरूरी लगे, एक तरह से हमारे लिए सही थे, उन्हीं को हम लोगों ने अपने संविधान में सम्मिलित किया है। ठीक है, और संपत्ति का मौलिक अधिकार जो आपको मिला हुआ था, इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है, और 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया था। ठीक है, अभी भाग 12 में आपका आर्टिकल 300 का में जोड़ दिया गया है। और वैसे भी आप लोगों को मालूम होगा कि आपके देश में आपके मानव यानी कि अधिकारों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का भी स्थापना की गई थी। कब? 12 अक्टूबर 1993 को। इसका हेडक्वार्टर आप जानते हैं न्यू दिल्ली में है। कहाँ है? न्यू दिल्ली में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अधिकार के बारे में। ये तो एक सामान्य जानकारी थी जो सभी को आपको मालूम होना चाहिए, और कई बार इससे आपका प्रीलिम्स में और वनडे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाता है। वैसे आप लोगों को बताऊं कि एनसीईआरटी में आपको कोई भी ऐसा शब्द नहीं मिलेगा जो आपको समझ में ना आए, बस बड़े आपको धैर्य से सुनना पड़ेगा या तो धैर्य के साथ पढ़ना पड़ेगा। और आपकी कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 10वीं तक की सभी बुक्स, वो जो आपके लिए महत्वपूर्ण है सिविल सर्विस के लिए और स्टेट पीसीएस के लिए, उन सबको कवर करवा दिया गया है, और उनकी पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर डाल दी गई है। सभी टेलीग्राम पर मिल जाएंगी पीडीएफ, वहां से डाउनलोड कर लें। और भी जो आपकी पीडीएफ आपके लिए मुझे लगता है कि सही है, उन्हें भी डाल दिया गया। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम अक्सर अधिकारों की चर्चा करते हैं। लोकतांत्रिक देश के सदस्य होने के नाते हम वोट देने, राजनीतिक पार्टियां बनाने, चुनाव लड़ने जैसे अधिकारों की बात करते हैं। लोग अधिकारों के लिए नई नई मांग भी कर रहे हैं। आमतौर पर स्वीकृत नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के अलावा सूचना के अधिकार, स्वच्छ वायु के अधिकार, सुरक्षित पेयजल के अधिकार का भी दावा जताया जा रहा है। आप समझिए कि सूचना का अधिकार तो आप जानते हैं कि इसके तहत आप किसी भी विभाग से एक तरह से सूचना ले सकते हैं, और अन्ना हजारी की एक तरह से देन है। एक बात आप लोग समझ लीजिए, हमेशा से बोला है, जो आज अधिकार आपको मिले हुए हैं इतनी आसानी से नहीं मिले हुए हैं। इसके लिए कितने लोगों ने एक तरह से जान दी, शहीद हो गए, जिनकी खेलने खाने की उम्र थी वो भी आपके लिए शहीद हो गए, फिर भी आप अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ये आपकी गलती है। आप सोचिए, एक बुजुर्ग अन्ना हजारे को आपके लिए एक तरह से आंदोलन करना पड़ रहा है, आपकी लड़ाई उन्हें लड़नी पड़ रही है। इससे शर्म भरी बात तो कोई हो ही नहीं सकती है कि हम लोग इतने कमजोर हो चुके हैं।
जहां हम प्रायः अपने राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन से जुड़े अधिकारों का दावा करते हैं, वहीं हम सामाजिक और व्यक्तिगत संबंधों में भी अधिकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। मसलन हम अपना करियर चुनने और देश में बेरोक टोक घूमने के अधिकारों की बात करते हैं। और तो और, ना केवल वयस्क मनुष्यों के लिए बल्कि बच्चों, गर्भस्थ बूढ़ों और पशुओं के लिए भी अधिकारों का दावा किया जाता है। इस प्रकार विभिन्न लोग विभिन्न तरीकों से अधिकार की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। इस अध्याय में हम इस अवधारणा से जुड़े सवालों की पड़ताल करेंगे, इसमें बात करेंगे, देखेंगे इनके, जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो हमारा आशय क्या है, मतलब क्या है हमारा अधिकारों से, अधिकारों के हमारे दावों को की बुनियादी क्या है, और अधिकारों से किन उद्देश्यों की पूर्ति होती है, और वे इतने महत्वपूर्ण क्यों है। मैं हमेशा से बोला है आप लोगों से कि आप समझिए कि अगर आप हर देश में, कोई भी देश हो, हमारे देश में विशेषता, अगर आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं और अपने कर्तव्यों के प्रति, तो मुझे लगता है हमें 80-90% समस्याएं खत्म हो जाएंगी और हमारा देश कहां से कहां पहुंच जाएगा ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप सोचिए, आप कभी भी धरना प्रदर्शन करते हैं, आप सरकारी संपत्ति को जलाने लगते हैं, भाई आपका मौलिक कर्तव्य है कि आप उसकी रक्षा करिए, उसका भुगतान आपको ही तो करना पड़ता है। आप अगर संपत्ति जला रहे हैं तो उसका भुगतान आपको ही तो करना पड़ता है। कहां देख रहा था, पढ़ रहा था कि कहीं विदेश में अगर आंदोलन होता है, कहीं फैक्ट्री में, जैसे जूता बनाने वाली फैक्ट्री में आंदोलन हुआ, तो वो लोग किस तरह से आंदोलन करते हैं, एक पैर का जूता बना देंगे, दूसरे का रहने देंगे, जब आंदोलन खत्म होगा तो दूसरे पैर का भी जूता बना देंगे वो लोग। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ रोक टोक हुई, कुछ आंदोलन हुए, हम लोगों ने ट्रेनें जलाना शुरू की, हम लोगों ने बसें जलाना शुरू की, हर सरकारी संपत्ति तोड़ना शुरू किया, इसका भरण पोषण हमें आगे ही करना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अधिकार क्या है आखिर, ये मुद्दा क्या है आखिर। अधिकार मूल रूप से हकदारी अथवा ऐसा दावा है जिसका उचित सिद्ध हो। यह बताता है कि नागरिक व्यक्ति और मनुष्य होने के नाते हम किसके हकदार हैं। यह ऐसी चीज है जिसको हम अपने आप प्राप्त समझते हैं, ऐसी चीज जिसे शेष समाज ऐसे वैध दावे के रूप में स्वीकार करे जिसका अनुमोदन अनिवार्य हो। इसका यह मतलब नहीं है कि हर वह चीज जिसे मैं जरूरी और वांछनीय समझूं अधिकार है। मेरी इच्छा हो सकती है कि स्कूल के लिए निर्धारित पोशाक की बजाय अपनी पसंद के कपड़े पहनूं। मैं देर रात तक घर से बाहर रहना चाह सकता हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मुझे स्कूल के लिए अपनी इच्छा अनुसार जो चाहूं वह पहने अथवा जब चाहूं तब घर लौटने का अधिकार है। मैं जो चाहता हूं और जिसके लिए मैं स्वयं को हकदार समझता हूं तथा जिनका बतौर अधिकार उल्लेख किया जा सकता है के बीच फर्क होता है। एक बात आप लोग समझ लीजिए, अधिकार का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने कोई भी काम कर सकते हैं। एक तरह से आप देखते हैं अधिकार जब भी आपको दिए गए हैं तो उसमें अपवाद भी जोड़ दिया गया है। अब आपको बोलने का अधिकार है, संगठन बनाने का अधिकार है, अब ऐसा ना बोलने लगे कि दूसरे को प्रॉब्लम होने लगे। अब आप कहें मेरा बोलने का अधिकार है तो आप गली में खड़े होकर गाली देने लगे किसी को। आपको संगठन बनाने का अधिकार है तो आप ऐसा संगठन बना दें जो देश की एकता अखंडता शांति भंग कर दे, तब तो आपके अधिकारों पर रोक लगाई जाएगी कि नहीं लगाई जाएगी। आप जब जाएं, जब आएं, आप कहें कि हमें ताजमहल जाना है और बंद चल रहा हो ताजमहल, फिर भी आप कह दें कि फिर जबरदस्ती जाना है, तब तो आपके अधिकारों पर रोक लगाई जाएगी कि नहीं। समझ रहे, अधिकार उन बातों का घोतक है जिन्हें मैं और अन्य लोग सम्मान और गरिमा का जीवन बसर करने के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक समझते हैं। उदाहरण के लिए आजीविका का अधिकार सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जरूरी है। लाभ कर रोजगार में नियोजित होना व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता देता है, इसलिए उसकी गरिमा के लिए प्रमुख है। अपनी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति हमें अपनी प्रतिभा और रुचियों की ओर प्रवृत्त होने की स्वतंत्रता प्रदान करती है, जहां हम स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार का उदाहरण ले सकते हैं। इस अधिकार में हमें सृजनात्मक और मौलिक होने का मौका देता है, चाहे यह लेखन के क्षेत्र में हो या फिर नृत्य संगीत या किसी अन्य रचनात्मक क्रियाकलाप में। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह विश्वासों और मतों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति की अनुमति देती है। आजीविका का अधिकार या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे अधिकार समाज में रहने वाले तमाम लोगों के लिए महत्वपूर्ण भी है, और इसी वजह से उनकी प्रवृत्ति
जनेन कही जाती है। आप समझिए एक बात कि मैं तो कहता हूं कि शिक्षा का अधिकार, वैसे शिक्षा का अधिकार तो आपका जुड़ चुका है, 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में आपका इसे जोड़ दिया गया था 21 का के तहत, आर्टिकल 21 का के तहत। लेकिन एक और बात करता हूं कि स्वास्थ्य का भी एक तरह से शिक्षा स्वास्थ्य, ये मैं तो कहता हूं कि फ्री हो जाना चाहिए या इतने सस्ते रहना चाहिए कि वो तबका, मतलब सबसे आर्थिक स्थिति से जो पिछड़ा हुआ है, वो भी इसका फायदा उठा सके, वो भी बेहतर इलाज करवा सके, बेहतर शिक्षा पा सके। ठीक है, अधिकारों की दावेदारी का दूसरा आधार यह है कि वे हमारी बेहतरी के लिए आवश्यक हैं। ये लोगों को उनकी दक्षता और प्रतिभा विकसित करने में सहयोग देते हैं। उदाहरण उदाहरण शिक्षा का अधिकार हमारी तर्क शक्ति विकसित करने में मदद करता है, हमें उपयोगी कौशल प्रदान करता है और जीवन में सूझबूझ के साथ चयन करने में सक्षम बनाता है। व्यक्ति के कल्याण के लिए सद तक शिक्षा को अनिवार्य समझा जाता है कि उसे सार्वभौम अधिकार माना गया है। बहरहाल अगर कोई कार्य कलाप हमारे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए नुकसानदेह है तो उसे अधिकार नहीं माना जा सकता है। उदाहरण के लिए डॉक्टरी शोध ने यह प्रमाणित किया है कि नशीली दवाएं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, क्योंकि ये अन्यों के साथ हमारे रिश्तों पर दुष्प्रभाव डालती हैं। इसलिए हमें यह दावा नहीं कर सकते हैं कि हमें नशीली पदार्थों के सेवन करने या सुई लगाने या धूमपान का अधिकार होना चाहिए। धूमपान के मामले में तो यह उन लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदेह है जो धूमपान करने वालों के आसपास होते हैं। नशीली पदार्थ न केवल हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि वे कभी कभी हमारे आचरण के रंग ढंग को बदल देते हैं और हमें अन्य लोगों के लिए खतरा करार देते हैं। अधिकारों की हमारी परिभाषा के अंतर्गत धूमपान अथवा प्रतिबंधित दवाओं के सेवन को अधिकार के रूप में मान्य नहीं किया जा सकता है। एक और आपको बात बताऊं, पिछले साल के इसीलिए बोल रहा हूँ कि क्वेश्चंस पेपर उठा के देख लिया करिए, फिर चाहे आपके प्रीलिम्स के हों या मेंस के क्वेश्चंस पेपर हों। देखिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक आपने क्वेश्चंस देखा होगा, कुछ समय पहले पूछा गया था कि शादी के मामले में, लव मैरिज के बारे में, समझ रहे हैं, ये भी आपका अधिकार है एक तरह से। लेकिन आप सोचिए कि अभी तक एक तरह से इसमें वही कहते हैं ना कि निष्कर्ष निकल ही नहीं पाता है कि कौन सही अधिकार हम कौन कौन से अधिकार हमें मांगने चाहिए, समझ रहे हैं आप लोग। कई लोग कह देते हैं कि वो हमें इस तरह के जो भी शराब या नुकसानदायक जो भी पदार्थ हैं, समझ रहे हैं, जो प्रतिबंधित दवाएं हैं उन्हें भी उपयोग करने की हमें वो है। अब कोई कहे हमें गुटखा खाने की स्वतंत्रता है, हम खा सकते हैं, कौन क्या बिगाड़ेगा, तब रोक भी लगाई जा सकती है। इसीलिए तो देखते हैं कि अपवाद स्वरूप भी रख दिया गया है। पिछले कुछ महीनों के अखबारों की को बांचिए और उन जन आंदोलनों और संगठनों की सूची बनाइए जिन्होंने नए किस्म के अधिकारों की मांग की है। और हमेशा आप देखिए कि समय समय पर बात भी होती रहती है, नए नए अधिकार जुड़ते रहते हैं। 19 के तहत, आर्टिकल 19 के तहत देखिए ना आप लोग कितने अधिकार आपके जोड़ दिए गए, बोलने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, जो भी व्यापार करने का अधिकार, सभी जोड़ दिए गए आपके, ये समय समय पर जोड़ते रहते हैं। अधिकार कहाँ से आते हैं? 17वीं 18वीं शताब्दी में राजनीतिक सिद्धांतकार तर्क देते थे कि हमारे लिए अधिकार प्रवृत्ति या ईश्वर प्रदत्त हैं, हमें जन्म से बेअधिकार प्राप्त हैं, परिणाम स्वरूप परिणामता कोई व्यक्ति या शासक उन्हें हमसे छीन नहीं सकता है। उन्होंने मनुष्य के तीन प्राकृतिक अधिकार चिन्हित किए हैं, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। अन्य तमाम अधिकार इन बुनियादी अधिकारों से ही निकले हैं, हम इन अधिकारों का दावा करें या ना करें, व्यक्ति होने के नाते हमें ये प्राप्त हैं। यह विचार है कि हमें जन्म से ही कुछ खास अधिकार प्राप्त हैं, काफी शक्तिशाली अवधारणा है, क्योंकि इसका अर्थ यह है कि जो ईश्वर प्रदत्त है और उन्हें कोई मानव शासक या फिर राज्य हमसे छीन नहीं सकता है। प्राकृतिक अधिकारों के विचार का इस्तेमाल राज्यों अथवा सरकारों के द्वारा स्वेच्छाचारी शक्ति के प्रयोग का विरोध करने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए किया जाता है। आपका संपत्ति का अधिकार देखिए हटा दिया गया है, इसलिए कई बार ये भी क्वेश्चन से बन चुका है आपका, तो इसलिए इसे भी याद रखिए। 48वां संविधान संशोधन, माफ करिएगा, 48 नहीं, आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ था ये 1978 में, इसे हटा दिया गया था। ठीक है, अब आपके 6 अधिकार बचे हुए हैं, समानता, स्वतंत्रता, शोषण और धार्मिक और संस्कृति और शिक्षा और संवैधानिक उपचार। ठीक है, और आपका जो संपत्ति का अधिकार है इसे आप भाग 12 में आर्टिकल 300 ए या का में जोड़ दिया गया। ठीक है,
हाल के वर्षों में प्राकृतिक अधिकार शब्द से ज्यादा मानवाधिकार शब्द का प्रयोग हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके प्राकृतिक होने का विचार आज अस्वीकार लगता है। ऐसा मानना भी मुश्किल होता जा रहा है कि कुछ नियम आदर्श ऐसे हैं जिन्हें प्रकृति या फिर ईश्वर ने रचा है। अधिकारों को ऐसे ऐसी गारंटियों के रूप में देखने की प्रवृत्ति बढ़ी है जिन्हें मनुष्य ने एक अच्छा जीवन जीने के लिए स्वयं ही खोजा या फिर पाया है। मानव अधिकारों के पीछे मूल मान्यता है कि सभी लोग मनुष्य होने मात्र से कुछ चीजों को पाने के अधिकारी हैं और एक मानव के रूप में हर आदमी विशिष्ट और समान महत्व का है। इसका यह अर्थ यह है कि एक आंतरिक दृष्टि से सभी मनुष्य समान हैं और कोई भी व्यक्ति दूसरों का नौकर होने के लिए पैदा नहीं हुआ है। सभी मनुष्य एक आंतरिक मूल्य से संपन्न होते हैं। उन्हें स्वतंत्र रहने और अपनी पूरी संभावना को साकार करने का समान अवसर मिलना चाहिए। इस विचार का इस्तेमाल नस्ल, जाति, धर्म और लिंग पर आधारित मौजूदा असमानताओं को चुनौती देने के लिए किया जाता रहा है। एक बात आप लोगों खुद देख लीजिए, ऐसा कोई भी आप पैराग्राफ उठा के देखिए जहां आपको समझ में ना आए। मैं तो कहता हूं कि आप लोग अपने आप से भी एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं, किसी भी व्यक्ति की आपको मदद की जरूरत नहीं है। इसमें मैं खुद सोचता हूं कि कौन सा शब्द की आपको बताऊं कि क्या कहाँ समझ आने लायक है। आप बेहतर समझ रहे होंगे मुझे लगता है, इसीलिए कह रहा हूं कि टेलीग्राम पर सभी पीडीएफ डली हैं। आपकी यही प्रॉब्लम होती कि कौन सी बुक्स पढ़नी है, कहाँ मिलेंगी, तो वो सभी हमने समाधान एक तरह से कर दिया है और आप लोग डाउनलोड करके अपने आप से पढ़ते रहे, ठीक है। अधिकारों की इसी समझदारी पर संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र बना है या उन दावों को मान्यता देने का प्रयास करता है जिन्हें विश्व समुदाय समुदाय सामूहिक रूप से गरिमा और आत्मसम्मान से परिपूर्ण जिंदगी जीने के लिए आवश्यक मानता है। एक तरह से अधिकार के बारे में सीधी सी बात यही समझिए आप लोग कि आपका अधिकार वहां तक होता है कि जहां तक दूसरे के अधिकार का उसमें हनन ना हो। समझ रहे हो, आपको अधिकार मिला हुआ है लेकिन अधिकार का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे के अधिकारों छीनने लगे, तो वहीं तक न्यूट्रल एक तरह से रहें आप लोग, वहां तक आपका अधिकार सीमित है। पूरी दुनिया के उत्पीड़न, जन सार्वभौम मानव अधिकार की अवधारणा का इस्तेमाल उन कानूनों को चुनौती देने के लिए कर रहे हैं जो उन्हें पृथक करने वाले और समान अवसरों तथा अधिकारों से वंचित करते हैं। वे मानवता की अवधारणा की पुनर्व्याख्या के लिए संघर्ष कर रहे हैं ताकि वे खुद को इसमें शामिल कर सकें। कई बार आप लोग सुनते रहते हैं कि पाकिस्तान में मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, या फिर आप सुनते रहते हैं कि चीन में हो रहा है, ठीक है, फिर आप चाहे म्यांमार की सुनते रहते हैं आप लोग। तो याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकार परिषद बनाई गई है। ये 15 मार्च 2006 को इसका गठन किया गया था। और राष्ट्रीय स्तर पर बात करूं तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है, ये पहले आप देखते थे एमपीपीएससी में आपके क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते थे इस तरह के। यहां भी आपका एक पैराग्राफ इसे देख लेते हैं। मानवीय गरिमा के बारे में कांट, हर चीज की या तो कीमत होती है या गरिमा, जिसकी कीमत होती है उसकी जगह उसके समतुल्य कोई दूसरी चीज भी रखी जा सकती है। इसके विपरीत जो तमाम कीमतों से ऊपर हो और जिसका कोई समतुल्य ना हो उसकी गरिमा होती है। अन्य प्राणियों से अलग मनुष्य की एक गरिमा होती है, इस कारण से वे अपने आप में बहुमूल्य हैं। और 18वीं सदी के जर्मन दार्शनिक एमानुअल कांट के लिए इस साधारण विचार का गहरा अर्थ था। उनके लिए इसका मतलब था कि हर मनुष्य की गरिमा और मनुष्य होने के नाते उसका उसके साथ इसी के अनुकूल वर्ताव किया जाना चाहिए। मनुष्य अशिक्षित हो सकता है, गरीब या फिर शक्तिहीन हो सकता है, वह बेईमान अथवा अनैतिक भी हो सकता है। ये तो आप भी देखते रहते हो अपने दैनिक जीवनचर्या में, फिर भी वह एक मनुष्य है और न्यूनतम ही सही प्रतिष्ठा पाने का अधिकार उसे भी है। कांट के लिए लोगों के साथ गरिमामय वर्ताव करने का अर्थ है अर्थात उनके साथ नैतिकता से पेश आना। यह विचार उन लोगों के लिए एक संबल था जो लोग सामाजिक ऊंच नीच के खिलाफ और मानव अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। आप सोचिए कि बहुत पहले से हमारे यहाँ इस तरह का भेदभाव होता आ रहा है और अभी भी कई जगह आप देखिए, कई क्षेत्रों में अभी भी आपको देखने को मिलेगा कि निचली जातियों से एक तरह से भेदभाव किया जाता है। समझ रहे हैं, उन्हें उन्हीं के एक तरह से भेदभाव को खत्म करने के लिए कई आपके एक्ट भी आए हुए थे। 1993 का देखा है आप लोगों ने, 1955 में आया हुआ था, समझ रहे हैं। तो यही है,
और याद रखिए 1947 में हमें आजादी मिल गई, अंग्रेजों से आजादी मिल गई थी, लेकिन घर में एक तरह से हमारे देश में आजादी मिलना शुरू हुआ था। समाज के हर तबके को उस समय आजादी नहीं मिली थी 1947 में, देश को एक तरह से हाँ कह सकते हैं कि आजादी मिल चुकी थी, लेकिन बाकी काम था हमारे यहाँ के जो भी उस समय के नेता थे उन्होंने किस तरह से किया इससे आप लोग जानते हैं। कांट के विचार में अधिकार एक नैतिक अवधारणा प्रस्तुत की है, और पहला हमें दूसरों के साथ वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसा हम अपने अपने लिए दूसरों से अपेक्षा करते हैं। दूसरे हमें यह निश्चित करना चाहिए कि हम दूसरों को अपने स्वार्थ सिद्धि का साधन नहीं बनाएंगे, हम लोगों के साथ उस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए जैसा कि हम कलमकार या घोड़ा के साथ करते हैं। हमें लोगों का सम्मान करना चाहिए इसलिए नहीं कि वे हमारे लिए उपयोगी हैं, बल्कि इसलिए कि वे आखिरकार मनुष्य हैं। अब आप समझिए, यहां मैंने हमेशा बोला है कि आप देखिए अधिकारों की बात आज आज से नहीं है, ये आप देखिए अशोक के समय, मुझे लगता है इतिहास आपने पढ़ो है और आप लोगों ने देखा होगा हम लोगों ने अशोक की बायोग्राफी कवर की थी, चंद्रगुप्त मौर्य शासक, समझ रहे हैं? उसी का बेटा अशोक, उसी में आपने देखा बिंदुसार के बाद अशोक आता है, ठीक है, बिंदुसार का। तो आप समझिए कि अशोक ने भी कहा था यही कि अगर हम दूसरे के धर्म को अगर सम्मान देते हैं तो असल में हम अपने धर्म को ऊपर उठा रहे होते, अगर हम दूसरे के धर्म को नीचा दिखा रहे होते तो हम अपने धर्म को एक तरह से नीचे गिरा रहे होते हैं। आज आप समझिए, आज आप सामने वाले को इज्जत देंगे वो आपको इज्जत देंगे, डरता कोई किसी से नहीं है। यही आप लोगों का जो आजकल का प्रेम चलता है उसमें भी यही काम है कि आप अगर भरोसा कर रहे हैं तो उसे भी सामने वाले को भरोसा करना चाहिए। एक तरह से तुम्हारा आज का प्रेम पत्र जो भी चल रहा है ये मौलिक अधिकार एक तरह से आप हो और मौलिक कर्तव्य आपके प्रेमी या प्रेमिका है एक तरह से। कैसे मौलिक अधिकार का मतलब, आपके अधिकार का मतलब है कि ठीक है आपको अधिकार मिले हुए हैं, उसने आप पर भरोसा किया है तो आपका भी तो आपका भी तो कर्तव्य बनता है एक तरह से कि आप भी उसके अधिकार को बनाए, अब विश्वास को बनाए रखें और उसे हमेशा साथ लेके चलें, समझ रहे हैं? कोई भी मेंबर हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यही प्रेम, किसी भी तरह का प्रेम हो सकता है। कुछ संघर्ष सफल भी हुए हैं जैसे दास पिता का उन्मूलन हुआ है, लेकिन कुछ अन्य संघर्षों में अभी तक सीमित सफलता ही मिल पाई है, लेकिन आज भी अनेक ऐसे समुदाय हैं जो मानवता को इस प्रकार परिभाषित करने के संघर्ष में लगे हैं जो उनको भी शामिल करें। विविध समाजों में ज्यों ज्यों नए खतरे और चुनौतियां उभरती आई हैं त्यों त्यों उन मानवाधिकारों की सूची लगातार बढ़ती गई है जिनका लोगों ने दावा किया है। मसलन हम आज प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा की जरूरत के प्रति काफी सचेत भी हैं और इसने स्वच्छ हवा, शुद्ध जल, टिकाऊ विकास जैसे अधिकारों की मांग पैदा की है। युद्ध या प्राकृतिक संकट के दौरान अनेक लोग खासकर महिलाएं, बच्चे या बीमार जिन बदलावों को झेलते हैं उनके बारे में नए नई जागरूकता ने आजीविका के अधिकार, बच्चों के अधिकार और ऐसे अन्य अधिकारों की मांग भी पैदा की है। ऐसे दावे मानव गरिमा के अतिक्रमण के प्रति नैतिक आक्रोश का भाव व्यक्त करते हैं और वे समस्त मानव समुदाय हेतु अधिकारों के प्रयोग और विस्तार के लिए लोगों से एकजुट होने का आह्वान करते हैं। हमें इन दावों के विस्तार तथा प्रभाव को कम करके नहीं आंकना चाहिए, उन्हें अक्सर व्यापक समर्थन हासिल होता है। और अपने आपने शायद पॉप स्टार बॉब गेल्डोफ की ओर से अफ्रीका में गरीबी खत्म करने के लिए पश्चिमी मुल्कों की सरकारों से की गई हाल की अपील के बारे में सुना होगा, टीवी में देखा भी होगा और उसे आम जनता का कितना प्रबल समर्थन हासिल हुआ है। मेरे पिताजी ने टेलीफोन लगवाने के लिए आवेदन किया था, 2 महीने से भी ज्यादा हो गए हैं और अभी तक कुछ नहीं हुआ है, वे क्या कर सकते हैं? जानते हो अब हमारे पास सूचना का अधिकार है, हम जान सकते हैं कि हमारे आवेदन का क्या हुआ, हम देरी का कारण भी जान सकते हैं। इसके तहत आप लोगों ने देखा होगा कुछ समय पहले मैंने इस पर विस्तार से बात की थी, एक पूरी क्लास ली हुई थी आपकी और कई बच्चों ने कहा उसमें कि वो कई लोगों के पीछे पहले हम अधिकारियों के पास या सरपंच विधायक के पीछे भागते थे अपना काम करवाने के लिए, आज उल्टे वो हमारे पीछे भाग रहे हैं। आप समझिए कि सूचना के अधिकार आप वाट लगा सकते हैं सरपंच साहब हो, फिर चाहे आपके नगर पालिका अध्यक्ष हो, कोई भी अधिकारी हो, आप समझिए
आपके यहाँ काम हो रहा है, आपका कुछ काम नहीं हो रहा है, आप लिख के दीजिए क्यों नहीं हो रहा है काम। आप बैंक में गए और कुछ हुआ, प्रॉब्लम हुई, आप वहां भी लिख के दे दीजिए। अब एक तरह से अब जागना तो आपको पड़ेगा। अब देखिए आपको अधिकार मिल चुके हैं, सब कुछ आपको मिल चुका है, अब आप खुद ना लड़ें तो मुझे लगता है कि आपके एक तरह से कोई दूसरा आपके लिए लड़ने नहीं आएगा, हर समय नहीं आएगा। ठीक है, कोई कोई एकाध निकल आता है आपके लिए लड़ लेता है, आपको अधिकार हथियार दे दिए गए हैं, अब आप ना लड़े तो एक तरह से आपका आप पर ही जाएगा। आप समझिए कि हमारी आर्मी को हम लोगों ने हथियार दे दिए हैं, हमारी आर्मी वहां खड़ी हुई है, अब वो कहे कि नहीं लड़ना है हमें, तो एक तरह से वो गलती तो उन्हीं के, वरना उनके पास हथियार है, समझ रहे। कानूनी अधिकार और राज्य सत्ता, मानव अधिकारों के दावों की नैतिक अपील चाहे जितनी हो, उनकी सफलता की डिग्री कुछ कारकों पर निर्भर है। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि सरकारों और कानून का समर्थन है। यही कारण है कि अधिकारों की कानूनी मान्यता को इतनी अहमियत दी जाती है। अब एक और बात बताऊं आप लोगों को, कि आप लोग कहते थे कि शॉर्ट नोट्स से कोई पढ़ा देता है एनसीईआरटी, मुझे लगता है कि एक बार आपको बुक से कंप्लीट पढ़नी चाहिए। शॉर्ट नोट्स पर पहली पहली बार भरोसा मत किया करिएगा। अब आपको याद रखिए, कोई शॉर्ट नोट्स बनाएगा तो ये चित्र थोड़ी दिखाएगा आपको, इस तरह थोड़ी आपको बताएगा जो इसमें दिखाया जा रहा है। कोई भी बुक्स हो, जैसे पॉलिटी की आपकी है, एम लक्ष्मीकांत आप लोग पढ़ते हैं, तो पहले एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, उसके बाद एक बार आप लोग पॉलिटी की पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको खुद मालूम चल जाएगा कि शॉर्ट नोट्स बनाना कहाँ से, कौन कौन से फैक्ट आपको याद रखना है, कौन से फैक्ट आपको अपने नोट्स में नोट करना है। दूसरे के नोट्स पर ध्यान मत दें, फिर चाहे किसी टॉपर का वो नोट्स हो या किसी भी व्यक्ति का, क्योंकि याद रखिए, जैसे मुझे मालूम है, मुझे गांधी जी के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में एक नोट्स बनाना है अपना, तो मैं क्या उसमें शामिल करूंगा? मुझे जो मालूम है मैं उसे शामिल नहीं करूंगा, मुझे जो मालूम नहीं है, जो याद नहीं है, मैं उसे शामिल करूंगा कि रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी से मैं उन्हें याद करके चला जाऊं, समझ रहे हैं? तो बड़े ध्यान से याद रखिए। अनेक अनेक देशों में अधिकारों के विधेयक वहां के संविधान में प्रतिष्ठित रहते हैं, संविधान देशों के सर्वोच्च कानून के द्योतक होते हैं, और इसलिए कुछ खास अधिकारों की संविधानिक मान्यता उन्हें बुनियादी महत्व प्रदान करती है। अपने देश में इन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं। अन्य कानून और नीतियों से इन संविधानिक अधिकारों के सम्मान की अपेक्षा की जाती है। संविधान में उन अधिकारों का उल्लेख रहता है जो बुनियादी महत्व के माने जाते हैं। कुछ अन्य ऐसे अधिकारों का भी उल्लेख संभव है जो किसी देश के विशिष्ट इतिहास और रीति रिवाजों के चलते महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उदाहरण के लिए भारत में अस्पृश्यता पर प्रतिबंध का प्रावधान है जो देश की परंपरागत सामाजिक कुप्रथा का ध्यान दिलाता है। हमारे दावों को मिलने वाली कानूनी और संविधानिक मान्यता इतनी महत्वपूर्ण होती है कि बहुत से सिद्धांतकार अधिकार को ऐसे दावों के रूप में परिभाषित करते हैं जिन्हें राज्य ने मान्य किया हो। कानूनी मान्यता से यकीनन हमारे अधिकारों को समाज में एक खास दर्जा मिलता है, लेकिन कानूनी मान्यता के आधार पर किसी अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता है। जैसे कि पहले चर्चा की जा चुकी है, अधिकारों का धीरे धीरे विस्तार और पुनर्व्याख्या हो रही है। ऐसा अभी तक अलग अलग रहे समूहों को शामिल करने और गरिमापूर्ण और सम्मान जनक जीवन की हमारी नई समझदारी के उद्देश्य से हो रहे हैं। आप समझिए कि एक तरह से आप कहिए कि समय समय पर इसकी परिभाषा भी होती रहती है, व्याख्या भी होती रहती है, और नए अधिकार आपके जुड़ते रहते हैं। अब आप सोचिए, अभी कई राज्यों ने, खासकर उत्तर प्रदेश में, आप देख रहे होंगे कि जब से नई सरकार आई हुई है तो वो प्रेम विवाह पर रोक लगा रही है आपकी लव मैरिज पर, समझ रहे हैं? एक तरह से आप सोचिए, आपको कि आपको शादी करनी है तो आपको पूछना पड़ेगा उनसे कि किस समुदाय से शादी करें, मुस्लिम से करूं, हिंदू से करूं, किससे करूं। तो ये भी तो आप समझिए कि आपका अधिकार है कि आप किसी भी जात से, किसी भी कास्ट से शादी कर सकते हैं। ये मुझे तो लगता है आजादी के समय ही ये कास्ट यानी कि जाति शब्द कर देना चाहिए था, समझ रहे हैं आप लोग? इस अगर देश को पीछे किसी ने भेजा है तो यही जाति कास्ट में, जहां देखिए इसी के लिए लड़ाई चलती रहती है। अरे शिक्षा की बात की जाए, स्वास्थ्य की बात की जाए, रोजगार की बात की जाए, दुनिया के मुद्दे हमारे पास पड़े हुए हैं, गरीबी पड़ी हुई है, इन्हें छोड़कर हमारे पास कुछ टाइम नहीं है तो हम इसी में काम करने लगते हैं। अधिकतर मामलों में अधिकार राज्य से ऐसे किए जाने वाले दावे हैं
और अधिकार के माध्यम से हम राज्य राज्य सत्ता से कुछ मांग करते हैं। जब हम शिक्षा के अधिकार पर जोर देते हैं तो हम राज्य से बुनियादी शिक्षा के लिए प्रावधान करने की मांग करते होते हैं। समाज भी शिक्षा के महत्व को स्वीकार कर सकता है और अपनी तरफ से इसमें सहयोग भी कर सकता है। विभिन्न समूह विद्यालय खोल सकते हैं और छात्रवृत्तियों के लिए निधि जमा कर सकते हैं ताकि तमाम वर्गों के बच्चे शिक्षा का लाभ प्राप्त कर सकें। लेकिन मुख्यतः यह जिम्मेदारी राज्य की बनती है। राज्य को ही आवश्यक उपायों का प्रवर्तन करना होता है जिसमें हमारे शिक्षा के अधिकार की पूर्ति सुनिश्चित हो सके। और इस प्रकार अधिकार राज्य को कुछ खास तरीकों से कार्य करने के लिए वैधानिक दायित्व भी सौंपते हैं। प्रत्येक अधिकार निर्देशित करता है कि राज्य के लिए क्या करने योग्य है और क्या नहीं है। उदाहरण के लिए, मेरा जीवन जीने का अधिकार राज्य को ऐसे कानून बनाने के लिए बाध्य करता है जो दूसरों के द्वारा क्षति पहुंचाने से मुझे बचा सके, यानी कि मेरी रक्षा कर सके। यह अधिकार राज्यों से मांग करता है कि वह मुझे चोट या नुकसान पहुंचाने वालों को दंडित करे। यदि कोई समाज महसूस करता है कि जीने का अधिकार का मतलब अच्छे स्तर का जीवन का अधिकार है, तो वह राज्य राज्य राज सत्ता से ऐसी नीतियों के अनुपालन की अपेक्षा करता है जो स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ पर्यावरण और न अन्य आवश्यक निर्धारकों का प्रावधान करे। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो मेरा अधिकार यह राज सत्ता को खास तरीके से काम करने के लिए कुछ वैधानिक दायित्व भी सौंपता है। आप समझिए कि आपको वोट देने का भी अधिकार है। मालूम है आपको अधिकार इसलिए वोट देने का अधिकार है कि कम से कम आप आगे 5 साल अगर आपके विधायक जी आपको दर्शन नहीं दे रहे हैं तो अगले बार जब वो आए तो उन्हें भी आप ना दें, ठीक है। लेकिन हम जागरूक कहाँ है इसके प्रति। अधिकार सिर्फ यह नहीं बताते हैं कि राज्य को क्या करना है, वे यह भी बताते हैं कि राज्य को क्या कुछ नहीं करना है। मसलन किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार कहता है कि राजसत्ता महज अपनी मर्जी से उसे गिरफ्तार कर सकती है, माफ करिए, गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अगर वह किसी को सलाखों के पीछे करना चाहती है तो उसे इस कार्यवाही को जायज ठहराना पड़ेगा। उसे किसी न्यायालय के समक्ष इस व्यक्ति की स्वतंत्रता में कटौती करने का कारण बताना होगा। इसलिए मुझे पकड़ने के पहले गिरफ्तारी का वारंट दिखाना पुलिस के लिए आवश्यक होता है। इस प्रकार मेरे अधिकार राजसत्ता पर कुछ अंकुश भी लगाते हैं। आप समझिए कि हमें गिरफ्तारी कोई गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन हमें, आप सोचिए, 24 घंटे के समय में, 24 घंटे के अंदर हमें ऐसे न्यायालय में पेश करना पड़ेगा। और याद रखिए, हमें एक तरह से अपना वकील भी करने की इजाजत होगी, वकील से बात कर सकते हैं, और कुछ साक्ष्य होने चाहिए, ऐसे साक्ष्य की जो हमारी गिरफ्तारी के लिए उचित हो। समझ रहे हैं आप लोग, ऐसा नहीं कि किसी को उठाया कहीं भी डाल दिया। 1975 76 77 की बात मत करिए कि आप सच सोचें कि आप राष्ट्रीय आपातकाल के समय किसी को भी उठा के डाल दिया। समझ रहे हैं, आज भी आप जानते हैं कि हमारे एक तरह से संविधान का काला दिवस कहा जाता है उस समय को, उस टाइम को, इंदिरा गांधी के समय को। आप समझिए कि इंदिरा गांधी ने कितने अच्छे अच्छे काम किए, राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण। आप सोचिए कि पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, बांग्लादेश आपका नया एक तरह से देश बनाया गया उन्हीं के द्वारा, लेकिन आप समझिए कि उनके इसी काम के कारण उन्हें आज भी एक तरह से धिक्कारा जाता है। समझ रहे हैं आप लोग। दूसरे तरीके से कहा जाए जो तो हमारे अधिकार यह सुनिश्चित करते हैं कि राज्य की सत्ता व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता की मर्यादा का उल्लंघन किए बगैर काम करे। राज्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सत्ता हो सकता है, उसके द्वारा निर्मित कानून बलपूर्वक लागू किए जा सकते हैं, लेकिन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य का अस्तित्व अपने लिए नहीं बल्कि व्यक्ति के हित के लिए होता है। इसमें जनता जनता के ही अधिक महत्व है और सत्तारूढ़ सरकार को उसके ही कल्याण के लिए काम करना होता है। और शासक अपनी कार्रवाइयों के लिए जवाबदेह है। उसे हरगिज नहीं भूलना चाहिए कि कानून लोगों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए ही होते हैं। और एक तरह से आप समझिए, खुद सोच लीजिए, आप नेताओं को किस लिए चुनते हैं। अलग बात है कि भ्रष्टाचार के लिए वो चुने जाते हैं एक तरह से आजकल, लेकिन हकीकत किस लिए चुनते थे आप लोग, इसलिए कि आपकी सेवा करें, आपका ख्याल रखें। लेकिन लॉकडाउन के टाइम आपने देखा है कि कोई भी नेता आपके घर से नहीं निकला, कोई रामायण देख रहा था, कोई महाभारत देख रहा था। आप खुद सोच के देख लेना, मैं तो कहता हूं कि क्या भगवान श्री राम होते और वो आपके राजा होते, वो आप प्रजा अगर रोड पर तरस रही होती, एक तरह से लाचार होती, तो क्या वो घर में बैठ के तमाशा देखते। मैं कहता हूं हरगिज नहीं, ऐसा वो कभी ना करते, लेकिन हमारे, देखिए, हमारे नेताओं ने किया है।
और नेताओं की गलती क्या है उसमें, हमारी गलती खुद है, हम बलात्कारियों को, हत्यारों को, डकैतों को अगर इस तरह से वोट देंगे और चुनेंगे तो वो यही करेंगे। आप देखिए अभी संसद में आधे से अधिक दागी विधायक और संसद चुने जाते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। अब बात करते हैं अधिकारों के प्रकार की। अधिकार लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं राजनीतिक अधिकारों का घोषणा पत्र बनाने से अपनी शुरुआत करती है। तो राजनीतिक अधिकार नागरिकों को कानून के समक्ष बराबरी तथा राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी का हक देते हैं। इनमें वोट देने और प्रतिनिधि चुनने, चुनाव लड़ने, राजनीतिक पार्टियां बनाने और उनमें शामिल होने जैसे अधिकार शामिल हैं। राजनीतिक अधिकार नागरिक स्वतंत्रता से जुड़े होते हैं और नागरिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायिक जांच का अधिकार, विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार, प्रतिवाद करने या फिर असहमति प्रकट करने का अधिकार। नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकार मिलकर किसी सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली की बुनियाद का निर्माण करते हैं। लेकिन जैसा कि पहले बताया गया कि अधिकारों का उद्देश्य लोगों के कल्याण की हिफाजत करना है होता है, सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाकर शासकों की अपेक्षा लोगों की सरोकार को अधिक महत्व देकर और तमाम लोगों के लिए सरकार के निर्णयों को प्रभावित करने का मौका सुनिश्चित कर राजनीतिक अधिकार इसमें सहयोग करते हैं। आप खुद सोच के देखना, अगर आपके पास वोट देने का अधिकार ना होता तो आपकी हालत क्या होती। अभी तो ठीक है, वो 5 साल में आपकी सरपंच साहब हो, फिर चाहे विधायक साहब हो, दर्शन दे देते हैं, आपकी शक्ल देख लेते हैं। ये अलग बात है कि 5 साल तक आपको उनकी शक्ल देखने के लिए तरसना पड़ता है, उनके पैरों में डले रहना पड़ता है। चलिए खैर यही छोड़िए कि एक एक बार तो आपके पैरों की धूल साफ होती है, भले ही आप 5 साल तक उनकी धूल साफ करते रहें। तो आपके पास वोट का अधिकार है, आप कम से कम ऐसे को तो चुनिए जो आपके बच्चों की शिक्षा की बात कर सके, उन्हें स्वास्थ्य की बात कर सके। मैं कई ऐसे सरपंचों को देखा है, कई विधायकों को देखा है जो जिनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, जिनके बच्चे VIP स्कूलों में पढ़ते हैं, और वोट देने वोटरों के देख लीजिए, हमारे बच्चों को देख लीजिए जो हम वोट दे देते हैं उन्हें। तो अपने बच्चों की कम से कम कैरियर को देखिए, उनकी जिंदगी को, और ऐसे को चुनिए जो आपके परिवार को भी देखे, ठीक है, ना कि अपने परिवार को। राजनीतिक भागीदारी का अपना अधिकार पूरी तरह से हम तभी अमल में ला सकते हैं जब भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य जैसी हमारी बुनियादी जरूरतें पूरी हो। फुटपाथ पर रहने वाले और इन बुनियादी जरूरतों की पूर्ति के लिए संघर्ष करने वालों के लिए अपने आप में राजनीतिक अधिकार का कोई मूल्य नहीं है। उन्हें पहले तो अपने बुनियादी जरूरतों की पूर्ति हेतु पर्याप्त मजदूरी और मेहनत की उचित परिस्थितियों जैसी कती पर सुविधाएं चाहिए। इसलिए लोकतांत्रिक समाज इन दायित्वों को स्वीकार कर रहे हैं और आर्थिक अधिकार मुहैया कर रहे हैं। कुछ देशों में नागरिक, खासकर निम्न आय वाले नागरिक, आवास और चिकित्सा जैसी सुविधाओं राज्य से प्राप्त करते हैं। कुछ अन्य देशों में बेरोजगार व्यक्ति कुछ न्यूनतम भत्ता भी पाते हैं ताकि वे अपने बुनियादी जरूरतें पूरी कर सके। भारत में सरकार ने ग्रामीण और शहरी गरीबों की मदद के लिए अन्य कार्रवाइयों के साथ साथ ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है, मनरेगा। आप समझिए, पहले इसे नरेगा कहते थे, फिर मनरेगा कहने लगे। मैं आप लोगों से पूछता हूं, मनरेगा के तहत कितने लोग फायदा उठाते हैं? ना के बराबर। आप समझिए कि आप जाइए अपने सरपंच के साथ, उसके बाद जाकर मांगिए वोट। आप घर में अपने बच्चों से लड़ सकते हो, उन्हें पीट सकते हो, लेकिन सरपंच के पास जाकर आपको मांगने में मतलब डर लगता है। कितने लोग जगाते रह गए समाज को, ना तो आज जागा है तो ना कल जागने की उम्मीद दिख रही है। और आपके वोट का क्या महत्व रह जाता है? कई राज्यों में आप देखते हैं, आप विधायक जी को चुनते हैं इस पार्टी से, विधायक जी कल पलटी मार के दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। आपके वोट का क्या मतलब है, आप खुद सोच के देखिए। और ठीक, सबसे बड़ी बात तो तब आती है कि विधायक जी दूसरी पार्टी में शामिल हो गए, फिर भी दूसरी बार वो चुनाव लड़े, फिर भी उन्हें को वोट दे दिया। लीजिए, वाद विवाद की बात करें तो संस्कृति के अधिकार का मतलब है कि किसी को भी ऐसी फिल्म बनाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जो किसी को धार्मिक या सांस्कृतिक आस्थाओं को चोट पहुंचाए। हमारे देश में खासकर इस तरह के कई बार कोर्ट में भी मामले जाते रहते हैं जब भी इस तरह की धर्म पर कोई मूवी बनती है। आजकल आधिकारिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों के साथ साथ नागरिकों के सांस्कृतिक दावों को भी मान्यता दे रही हैं। अपनी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार, अपनी भाषा और संस्कृति के शिक्षण के लिए संस्थाएं बनाने का अधिकार को बेहतर जिंदगी जीने के लिए आवश्यक माना जा रहा है। इस प्रकार लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में अधिकारों की सूची लगातार बढ़ती गई है।
कुछ अधिकार जैसे कि जीवन जीने का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार, समान व्यवहार का अधिकार और राजनीतिक भागीदारी का अधिकार, ऐसे बुनियादी अधिकार के रूप में मान्य है जिन्हें प्राथमिकता देनी है ही है। शालीन जीवन यापन के लिए आवश्यक अन्य स्थितियां भी न्यायोचित दावों अथवा अधिकारों के रूप में मान्यता मान्य की जा रही है। यहाँ भी है, समूह या समुदाय विशेष को दिए गए निम्न अधिकारों में से कौन से न्यायोचित हैं, चर्चा कीजिए। एक शहर में जैन समुदाय के लोगों ने अपना विद्यालय खोला है, उसमें केवल अपने समुदाय के छात्र छात्राओं को ही प्रवेश दिया है। एक समझिए, अगर आप अपने पैसे से खोलते हैं, या समझिए कोई भी समूह है, उसमें आप इस तरह की शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप सरकार से मान्यता प्राप्त हैं या सरकार से कुछ सहायता प्राप्त कर रहे हैं, तब आपको इस तरह के स्कूल नहीं चला सकते आप। ठीक है, जैसे मैंने स्कूल खोला, मैं अपने पैसे से अगर पढ़ा रहा हूं तो किसी भी खास समूह को ले सकता हूं उसमें, लेकिन मैं अगर सरकार से मान्यता प्राप्त है मुझे और सरकार मुझे पैसे देती है सहायता, तो मैं कहूँ कि खास वर्ग के बच्चों को ही मैं पढ़ाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में वहां के स्थायी निवासियों के अलावा बाकी लोग जमीन या अन्य अचल संपत्ति नहीं खरीद सकते हैं। देखिए ये क्या था कि अब आप समझिए कि एक तरह से अपवाद, जम्मू कश्मीर में भी पहले आपने देखा होगा, लेकिन 370 हटने के बाद अब इस तरह के मामले बदल रहे हैं। ठीक है, एक सह शिक्षा विद्यालय के प्रधान अध्यापक ने एक सर्कुलर जारी किया है कि कोई भी छात्रा किसी भी प्रकार का पश्चिमी परिधान नहीं पहनेगी। हरियाणा की एक पंचायत ने निर्णय दिया है कि अलग अलग जातियों के जिस लड़के लड़की ने शादी कर ली है वे अब गांव में नहीं रहेंगे, ये गलत है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसा अगर आपके साथ व्यवहार होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, वो आपको आपकी रक्षा करेगी और उन्हें दंड भी देगी। अधिकार और जिम्मेदारियों की अगर बात करें हम लोग, तो अधिकार न केवल राज्य की जिम्मेदारी डालते हैं कि वह खास तरीके से काम करे, बल्कि हम सब पर भी जिम्मेदारी आयद करते हैं। उदाहरण के लिए टिकाऊ विकास का मामला ले, हमारे अधिकार हमें याद दिलाते हैं कि इसके लिए ना केवल राज्य को कुछ कदम उठाने हैं, बल्कि हमें भी इस प्रकार इस दिशा में प्रयास करने हैं। अधिकार हमें बाध्य करते हैं कि हम अपनी निजी जरूरतों और हितों की ही ना सोचें, कुछ ऐसी चीजों की भी रक्षा करें जो हम सब के लिए हित करें। ओजोन परत की हिफाजत करना, वायु और जल प्रदूषण कम से कम करना, नए वृक्ष लगाकर और जंगलों की कटाई रोककर हरियाली बरकरार रखना, पारिस्थितिकीय संतुलन कायम रखना, आदि ऐसी चीजें हैं जो हम सबके लिए अनिवार्य हैं और ये आम भलाई की बातें हैं जिनका पालन हमें अपनी और भावी पीढ़ियों की हिफाजत के लिए भी अवश्य करना चाहिए। आने वाली पीढ़ियों को भी सुरक्षित और स्वच्छ दुनिया पाने का हक है, इसके बिना वे बेहतर जीवन नहीं जी सकते हैं। एक तरह से आप कहिए कि अभी तक जो हम लोग स्वच्छ वायु ले रहे हैं, ये हवा ले रहे हैं, आप समझिए कि स्वच्छ जल पी रहे हैं, जितनी भी सुविधाएं हमारे पूर्वजों की एक तरह से देन है, अगर उन्होंने भी एक लालची व्यक्ति की तरह उपयोग किया होता तो आज भी हम भी तरस रहे होते। तो हमें भी अपनी पीढ़ियों को ध्यान में रखे इस तरह की उपयोग करना चाहिए। ठीक है, एक तरह से मैं बता रहा हूँ ना कि इस तरह की आपको आप सहूलियत कर सकते हैं, आप अपना योगदान दे सकते हैं, जबरदस्ती नहीं है आप, समझ रहे हैं आप लोग? तो मूवी मेरा मानना है कर्तव्य होता है ये, तो कि मैं आपका 10 रुपये खर्च कर रहा हूं तो आपका भी तो कर्तव्य है कि समय आने पर कभी जरूरत है तो 2 रुपये आप भी खर्च कर दीजिए उस इंसान पर, किसी भी पर, कोई भी काम है, समझ रहे हैं आप लोग? दूसरे अधिकार यह अपेक्षा करते हैं कि मैं अन्य लोगों के अधिकारों का सम्मान करूं। अगर मैं कहता हूं मुझे अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार मिलना ही चाहिए, तो मुझे दूसरों को भी यही अधिकार देना होगा। अगर मैं अपनी पसंद के कपड़े पहनने में, संगीत सुनने में दूसरों की का हस्तक्षेप नहीं चाहता, तो मुझे भी दूसरों की पसंदगी में दखलंदाजी से बचना होगा। मुझे उन्हें भी उनकी पसंद के कपड़े या संगीत सुनने की स्वतंत्रता देनी होगी। मैं स्वतंत्र भाषण देने के अधिकार का इस्तेमाल अपने पड़ोसी की हत्या के लिए, पीठ को उकसाने के लिए नहीं कर सकता। अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए मैं दूसरों को उनके अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में, मैं मेरे अधिकार सबके लिए बराबर और एक ही अधिकार के सिद्धांत से सीमाबद्ध है। कहने का सीधा सा मतलब यही है कि आप सोचिए, आपको अधिकार मिला हुआ है तो आप ऐसा कोई भाषण मत दीजिए कि जो ऐसा वो भीड़ को एक तरह से मार काटने बदल दी, हत्याओं में करवाने लगी, समझ रहे हैं? तो यहाँ आपके अधिकारों पर अपवाद भी रहते हैं और आपको सजा भी मिल सकती है। ठीक है, तीसरे, टकराव की स्थिति में हमें अपने अधिकारों को संतुलित करना होता है। मसलन अभिव्यक्ति की आजादी का मेरा अधिकार मुझे तस्वीर लेने की अनुमति देता है,
लेकिन अगर अगर अपने घर में नहाते हुए किसी व्यक्ति की उसकी इजाजत के बिना तस्वीर ले लूं और उसे इंटरनेट पर डाल दूं तो यह उसकी गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन होगा, तो ये भी आप देखने को मिलता है। और मैं इसीलिए कहता हूं आप लोगों से सबसे कि अपनी तस्वीर, कोई भी तस्वीर, आप समझ रहे हैं, कहने का मेरा मतलब है कि ऐसा किसी पर भी भरोसा करके कोई ऐसी तस्वीर ना दें उसे कि आगे चल के आपको परेशानी बन सके, क्योंकि आजकल इस तरह के मामले कई बार आ रहे हैं और कई बच्चों की ये शिकायत भी करते हैं कि ऐसा प्रॉब्लम देखा जा रहा है, ऐसा प्रॉब्लम देखा जा रहा है। आजकल का जो प्रेम पत्र चल रहा है, जो एक प्रेम जो उग एक तरह से छाया हुआ है समाज में, ये ज्यादा इस तरह की करते, मतलब 2-4 दिन में प्रेम हुआ, फिर मतलब इस तरह के कारनामे करते रहते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, अपनी मर्यादा बनाए रखिए, ठीक है। और मुझे लगता है कि आप सोचिए कि आपको ऐसी तरह एक पार्क है कहीं, ठीक है, अब तो इलाहाबाद की बात कर रहा हूं मैं, कंपनी गार्डन जैसे चंद्रशेखर पार्क भी बोलते हैं। आप सोचिए, जब से नई सरकार आई हुई है काफी खास वहां बदलाव किए गए, काफी खास आप सोचिए कि सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। वरना आप सोचिए 2017 के पहले वहां आप अपने परिवार के साथ घूमने नहीं जा सकते थे। आप देखिए इतनी नीच हरकत करते रहते हैं बच्चे बच्चियां, जो भी लड़का लड़की है सब बराबर, कोई वो नहीं कर रहा हूं, किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं। आप समझिए कि मैं ये नहीं, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, ठीक है, आपकी आजादी है जो आपको मन में। आप सोचिए, आपको अगर हम सफर, जो भी सफर है, आपको अगर सरेराम इज्जत बदनाम करे तो वो आपका, मुझे नहीं लगता है कि बेहतर आपके बारे में कुछ सोचता है, समझ रहे। तो थोड़ा इससे बचिए, और आप लोग इतने समझदार हैं मुझे लगता है। या कल तो मैंने टीवी पर ताजा तरीन स्ट्रिंग ऑपरेशन देखा है, प्रसिद्ध सिने तारिका और नामी अधिकारी के बीच की बातचीत पर मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। या टीवी पर सनसनी फैलाने का सस्ता तरीका है, इसके अलावा उनके निजता के अधिकार का अतिक्रमण भी है। चौथे, नागरिकों को अपने अधिकारों पर लगाए जाने वाले नियंत्रणों के बारे में चौकस रखना होगा। आजकल एक विषय जिस पर बहुत अधिक चर्चा हो रही है, यह बढ़ते प्रतिबंधों से संबंधित है। ये प्रतिबंध कई सरकारें राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लोगों की नागरिक स्वतंत्रता पर लगा रही है। नागरिकों के अधिकारों और भलाई की रक्षा के लिए जरूरी मानकर राष्ट्रीय सुरक्षा की हिफाजत का समर्थन किया जा सकता है, लेकिन किसी बिंदु पर सुरक्षा के लिए आवश्यक मानकर थोपे गए प्रतिबंध अपने आप में लोगों के अधिकारों के लिए खतरा बन जाए। क्या आतंकी बमबारी की धमकी का सामना करते राष्ट्र को अपने नागरिकों की आजादी छीन लेने की इजाजत दी जा सकती है? क्या उसे महज संदेह के आधार पर किसी को गिरफ्तार करने की अनुमति मिलनी चाहिए? क्या उसे लोगों की चिट्ठियां देखने या फोन टैप करने की छूट दी जा सकती है? क्या सच कबूल करवाने के लिए उसे यातना का सहारा लेने दिया जाना चाहिए? ऐसी स्थितियों में यह सवाल उठता है कि समृद्ध व्यक्ति समाज के लिए खतरा तो पैदा कर रहा है, गिरफ्तार लोगों को भी कानूनी सलाह की इजाजत और दंडाधिकारी या न्यायालय के सामने अपना पक्ष पेश करने का अवसर मिलना चाहिए। लोगों की नागरिक स्वतंत्रता में कटौती करते वक्त हमें अत्यंत सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि इनका आसानी से दुरुपयोग किया जा सकता है। सरकारें निरंकुश हो सकती हैं और वे उन उद्देश्यों की ही जड़ खोज सकती हैं जिनके लिए सरकार बनती है, यानी लोगों के कल्याण की। इसलिए यह मानते हुए भी अधिकार कभी संपूर्ण सर्वोच्च नहीं हो सकते, हमें अपने और दूसरों के अधिकारों की रक्षा करने में चौकस रहने की जरूरत है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक समाज की बुनियादी बुनियाद का निर्माण करते हैं। इसका उपयोग समय समय पर सरकार करती रहती है। देखिए, अभी भी आपने देखा है जम्मू कश्मीर में भी कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, अच्छी बात है गिरफ्तार करना, लेकिन कई बेगुनाहों को भी इस तरह से गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। जैसे आज आप सोचिए, राष्ट्रीय आपातकाल जब लगाया गया इंदिरा गांधी के समय, उस समय भी तो आपने देखा है कि कई व्यक्तियों को एक तरह से उन्हें ना मिलने की आजादी दी गई किसी से, ना कोई वकील रखने की आजादी दी गई थी। किसी व्यक्ति के अधिकार वहां खत्म हो जाते हैं जहां दूसरे व्यक्ति की नाक शुरू हो जाती है। कहने का मतलब वही है कि आपके अधिकार वहां तक जाते हैं जहां की दूसरे के अधिकारों का हनन ना हो, समझ रहे हैं। एक तरह से आपकी कार वहां तक खड़ी हो सकती है जहां तक कि दूसरे की कार ना खड़ी हो। अगर आपकी कार उसकी कार टकरा गई तो वहां आपके अधिकारों पर, आपकी कार वहां टकराने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, समझ रहे हैं। कहने का मतलब यही है। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार और लागू किया गया। इस घोषणा की प्रस्तावना का पाठ नीचे दिया गया है।
एक इस ऐतिहासिक कृत्य को आगे बढ़ाते हुए सामान्य सभा ने सभी सदस्य देशों में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के पाठ को विचारित करने का आह्वान किया। सामान्य सभा ने देश या क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति पर ध्यान ना देते हुए इसे विशेष तौर से महिलाओं और माफ करिए विशेष तौर से विद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में प्रसारित और प्रदर्शित करने एवं पढ़ने और पढ़वाने का आह्वान किया है। मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा की प्रस्तावना, चूंकि मानव परिवार के सभी सदस्यों की स्वाभाविक अंतर्निहित गरिमा उनके समान एवं आत्याज्य अधिकारों की प्रतिष्ठा विश्व में स्वतंत्रता न्याय तथा शांति की आधारशिला है, और चूंकि मानवाधिकारों के उपहास तथा अवमानना के कारण मानवीय चेतना को भयभीत करने वाली क्रूरता कृत्य प्रतिफलित हुए, इसलिए अनिवार्य है कि ऐसे विश्व की स्थापना हो जिसमें सभी मनुष्य भाषण तथा विश्ववास की स्वतंत्रता हासिल तथा भय तथा अभाव से मुक्ति प्राप्त कर सके, जो मानव समुदाय की सबसे महत्वपूर्ण अभिलाषा है। चूंकि यह आवश्यक है कि मनुष्य को अत्याचार तथा दमन के विरुद्ध अंतिम अस्त्र के रूप में विद्रोह ना करना पड़े, इसलिए विधि के शासन के द्वारा मानवाधिकारों की रक्षा हो। चूंकि राष्ट्रों के मध्य मित्रतापूर्ण संबंधों की स्थापना को प्रोत्साहन करना आवश्यक है। चूंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के देशों ने घोषणा पत्र में मूलभूत मानवाधिकारों, मनुष्य की गरिमा और महत्व तथा पुरुषों तथा महिलाओं के समान अधिकारों के प्रति अपना विश्वास पुनः व्यक्त किया है तथा व्यापक स्वतंत्रता की उपलब्धि हेतु उत्तम जीवन स्तर तथा सामाजिक विकास को प्रोत्साहन करने का संकल्प लिया है। चूंकि सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के सहयोग से मानवाधिकारों तथा मूल स्वतंत्रताओं के विश्व स्तर पर सम्मान तथा अनुपालन को प्रोत्साहन करने का संकल्प लिया है। चूंकि उक्त संकल्पों की पूर्ण उपलब्धि हेतु इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सार्वदेशिक अवधारणा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, अतः आज संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा मानवाधिकारों के विश्व जनन घोषणा पत्र को सभी सभ्यताओं तथा देशों के लिए उपलब्धि के सर्वमान्य मानदंड के रूप में इत दर्द घोषित करती है कि प्रत्येक व्यक्ति तथा समाज का प्रत्येक अंग इस घोषणा पत्र का सदा विचार रखते हुए इन अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं की मर्यादा को अध्यापन तथा शिक्षा के माध्यमों द्वारा प्रोत्साहन करना करेगा तथा विकासोन्मुख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय साधनों द्वारा इनकी सार्वदेशिक तथा सशक्त स्वीकृति एवं अनुपालन को आपस में सदस्य देशों की जनता के बीच तथा उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले विदेशों की जनता के बीच स्थापित करेगा। तो ये थे आपका मानव अधिकार या अधिकारों की बात, और इसमें याद रखिए ये आपके क्वेश्चंस दिए गए, इन्हें भी आप देख सकते रहिएगा। पीडीएफ, इसकी पीडीएफ भी आपकी टेलीग्राम पर डली हुई है, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे, छठवां चैप्टर देखेंगे नागरिकता के बारे में। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है और बहुत मजा भी आने वाला है। और याद रखिए बीच बीच में जो बातें होती रहती हैं, मुझे लगता है कि इस तरह की बातें अच्छी बात है, होती रहना चाहिए, समझ रहे हैं आप लोग। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं समझदार हूँ, आप लोग कम समझदार हैं, मैं तो हमेशा मानता हूँ कि आप ज्यादा समझदार हूँ, मैं बेवकूफ हूँ सबसे बड़ा, लेकिन हकीकत शायद अभी तक आप वहां तक ना पहुंचे हो, इसलिए इस तरह की बातें करता रहता हूँ बीच बीच में। और एक बात हमेशा याद रखिए, गद्दार किसी के चेहरे पर लिखा नहीं रहता है, आप समझिए। मैंने ऐसी लड़कियों को भी कई को देखा है कि जो जो किसी को बर्बाद करके किसी को एक तरह से किसी ने उनके पीछे जान दे दी और आज वो खुश हैं। कई मैं ऐसे दोस्तों को जानता हूँ और कई लड़कों को भी ऐसा जानता हूँ कि किसी लड़की की जान चली गई फिर भी आज वो खुश है, अपनी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कोई देखिए, 2 पल के लिए क्या रहता है कि जब आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो जब शुरू में आपने देखा होगा कि आपको बड़ा जुनून रहता है कि मैं ये बुक्स खरीदते हैं, वो बुक्स खरीदते हैं, और वो बुक्स का एक अंग अंगाल लगा लेते हैं आप लोग, रूम भर के रख लेते हैं, और बाद में आप एक एक बार भरी उस बुक्स को नहीं पढ़ पाते। तो इसी तरह प्यार भी होता है, जब शुरू में आपको प्यार होगा तो बड़ी ऊंचाइयां चढ़ेंगे, चांद तोड़ने की बात करेंगे, भाई चांद तो बने रहने दीजिए, सूरज भी तोड़ने की बात करेंगे, दुनिया एक करने की बात करेंगे। उस समय आप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मैं मानता हूं,
लेकिन तो आगे की परिस्थिति को भी देखते रहिए, और अगर आप सक्सेस नहीं हो रहे तो कोई भी हो आपका, मैं किसी की नहीं बात कर रहा हूँ, दोनों पक्ष की बात कर रहा हूँ, वो कल आपको एक साइड में रख के निकल जाएगा, ठीक है? कोई कोई किसी का कोई मतलब नहीं है, समझ रहे? पैसा है तो कैसा है, यही हकीकत यही है, कोई प्यार व्यार नहीं रहता है, इसलिए पढ़ते रहिए और अच्छे से पढ़िए। ठीक, चलिए मिलते हैं हम लोग नागरिकता वाले चैप्टर में।